हमारी लास्ट वीडियो में वी टॉक्ड अबाउट कि पैची बियर्ड्स क्यों होती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैची बियर्ड्स एंड द टू वेज टू ट्रीट इट नेचुरली एंड विद मेडिसिंस। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि हम क्या बात कर रहे हैं तो यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक एंड चेक आउट आर लास्ट वीडियो ऑन हाउ टू ट्रीट अ पैची बियर्ड। बट इफ यू जस्ट लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन फॉर योर पैची बियर्ड प्रॉब्लम्स तो कुर्सी की पेटी बांध लें, कुर्सी सीधी कर लें और तैयार हो जाएं, बिकॉज वी आर हियर टू गिव यू द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर योर पैची बियर्ड प्रॉब्लम्स। बैक इन आर लास्ट वीडियो वी स्ट्रेस्ड अपॉन द फैक्ट कि नेचुरल वेज आर बेटर टू ट्रीट अ पैची बियर्ड, और वो सही भी है, बट उसमें एक प्रॉब्लम है, इट इज़ अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, और यार आजकल ना किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारे प्रोसीजर्स फॉलो कर सके। सो आर रिसर्च टीम स्टार्टेड वर्किंग ऑन समथिंग विच वॉज मोर इफेक्टिव एंड मोर एफिशिएंट, जो पैची बियर्ड को ट्रीट करने में हेल्प कर सके। उस्त्रा बियर्ड ग्रोथ ऑयल एडवांस स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च टू वर्क ऑन पैची बियर्ड प्रॉब्लम्स। ये आपकी मदद करता है पैची बियर्ड को फिल करने में, बियर्ड ग्रोथ को बढ़ाने में और बियर्ड में वॉल्यूम ऐड करने में, और आपको देता है एक बैड एस बियर्ड। आइए देखते हैं इसमें ऐसा क्या है जो इसको इतना इफेक्टिव बनाता है। पीएचटी बूस्टर्स, द मैजिक इंग्रेडिएंट दैट बूस्ट्स योर टेस्टोस्टेरोन एंड हेल्प फिक्स पैची बियर्ड। रिडेंसिल, इट्स अ ब्रेक थ्रू मॉलिक्यूल डेवलप्ड बाय स्विस साइंटिस्ट दैट इज बेस्ड ऑन स्टेम सेल रिसर्च एंड वर्क्स ऑन द हेयर फॉलिकल्स टू बूस्ट हेयर ग्रोथ। आमला, मेक्स योर बियर्ड सॉफ्ट लस्ट्रस ब्लैक एंड डेंस। विटामिन ई, एन एंटीऑक्सीडेंट दैट स्ट्रेंथन हेयर फॉलिकल्स एंड रिपेयर्स द डैमेज। आखिर ये टेस्टोस्टेरोन और बियर्ड ग्रोथ का कनेक्शन है क्या, आइए देखते हैं। आपने देखा ही होगा कि कुछ बंदों की फुल बियर्ड आ जाती है व्हेन दे आर 18 और 19, कुछ लोगों की पैची ग्रोथ रहती है अंटिल देयर मिड टू लेट 20s और इवन लेटर, और कुछ लोगों को अपनी ड्रीम बियर्ड कभी नहीं मिल पाती। इसका रीजन जेनेटिक्स एंड हॉर्मोन्स। जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि यार जेनेटिक रीजंस का तो कोई सलूशन नहीं है। इफ यू डोंट हैव द बियर्ड ग्रोथ जीन्स देन यू कांट ग्रो अ फुल बियर्ड, बट हार्मोनल इम्बैलेंसेस का सलूशन है। बट आओ पहले समझते हैं कि हार्मोन्स और बियर्ड ग्रोथ का कनेक्शन है क्या। फेशियल ग्रोथ इज लार्जली पुश्ड बाय हार्मोन्स, स्पेसिफिकली टेस्टोस्टेरोन एंड डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और डीएचटी। डीएचटी लेवल्स कैन वेरी पर्सन टू पर्सन, एंड हैविंग लो टेस्टोस्टेरोन डीएचटी लेवल्स कैन नेगेटिवली इफेक्ट योर बियर्ड ग्रोथ। बीजीओ एडवांस्ड का मेन वेपन है डीएचटी बूस्टर्स, जो हमने इसमें स्पेसिफिकली ऐड किए हैं आपकी पैची बियर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कोई जेनेटिक इशू नहीं है तो ये आपकी बियर्ड के हेयर फॉलिकल्स में जाके उनकी ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करेगा और आपको देगा एक बैड एस बियर्ड विद फास्टर ग्रोथ। टू सी द इफेक्ट्स ऑफ दिस ऑयल बिफोर आई डिड दिस वीडियो आई ट्रिम माई बियर्ड शॉर्ट एंड यूज द बीजीओ एडवांस्ड रेगुलरली टू सी इफ माई बियर्ड ग्रोज एनी फास्टर। मुझे इस लेवल से इतनी ग्रोथ पे आने में 6 महीने लग गए, विच इज़ नॉट बैड कंसिडरिंग जब लास्ट टाइम मैंने अपनी बियर्ड ग्रो करी थी तो मुझे 9 से 10 महीने लगे थे। डीएचटी बूस्टर्स यूज्ड इन दिस ऑयल आर अ गेम चेंजर, एंड कंबाइंड विद रिडेंसिल दिस ऑयल हैज द बेस्ट वेपन्स इन द इंडस्ट्री राइट नाउ टू हेल्प यू गेट रिड ऑफ योर पैची बियर्ड प्रॉब्लम्स। भाई मेरा एक्सपीरियंस छोड़ो, आई वुड सजेस्ट यू टू यूज द उस्त्रा बियर्ड ग्रोथ ऑयल एडवांस फॉर 3 months एंड सी द रिजल्ट फॉर योरसेल्फ। यू नो द टेक्निक एंड नाउ यू ऑल्सो हैव द टूल्स, सो लाइक ऑलवेज Your game is in your hands, bro.